बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना चीन के दौरे पर गई थी, लेकिन बीच में दौरा छोड़कर वापस आ गई हैं और भारत के लिए बड़ा ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा है कि तीस्ता परियोजना में भारत और चीन दोनों की दिलचस्पी थी, लेकिन वो चाहती हैं कि इस परियोजना को भारत पूरा करे। तीस्ता नदी भारत के लिए काफ़ी अहम है। दरअसल $1 अरब की तीस्ता नदी विकास परियोजना से भारत की सुरक्षा चिंताएं जुड़ी हुई थी। अगर यह परियोजना चीन के पास जाती तो यह भारत के लिए बड़े झटके की तरह होता। दूसरी तरफ नेपाल की सरकार भी बदल चुकी है और ओली जो नए पीएम बने हैं नेपाल के, उनके दौर में भारत से उनके रिश्ते अच्छे नहीं रहे हैं। ऐसे में बांग्लादेश से चीन की करीबी भारत के लिए काफ़ी खतरनाक साबित हो सकती थी। देखा जाए तो दक्षिण एशिया में चीन का बढ़ता प्रभाव भारत के लिए लंबे समय से चिंता का विषय रहा है। बांग्लादेश में भारत और चीन दोनों का प्रभाव है, लेकिन शेख हसीना सरकार के बारे में कहा जाता है कि उनकी करीबी भारत से ज्यादा है, तो यह भारत के लिए बहुत ही अच्छी खबर है। आपको बता दें कि 414 किलोमीटर लंबी तीस्ता नदी भारत से बहती हुई बांग्लादेश में जाती है। जून महीने में जब शेख हसीना भारत के दौरे पर आई थी तो इस परियोजना पर उन्होंने प्रमुखता से बातचीत भी की थी। भारत और बांग्लादेश के बीच कई नदियां जुड़ी हैं जो हिमालय से निकलकर बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलती हैं। तीस्ता नदी परियोजना पर शेख हसीना के फैसले को काफी अहम माना जा रहा है। करीब $1 अरब की यह परियोजना भारत के लिए काफी संवेदनशील थी, क्योंकि यह चिकन नेक की तरह है। इस परियोजना का चीन के हाथ से निकलना भारत के लिए राहत की बात है। इस पूरे मामले पर चीन से लौटने के बाद शेख हसीना ने कहा कि मैं चाहती हूं कि यह परियोजना भारत पूरी करे, क्योंकि तीस्ता का पानी भारत से होकर आता है। अगर हमें उनसे पानी चाहिए तो ये काम भारत को करना चाहिए। इस प्रोजेक्ट में जो चाहिए होगा भारत वो मुहैया करवा सकेगा। वहीं उन्होंने चीन को लेकर यह कहा कि मैंने चीन से दक्षिणी क्षेत्र के विकास के लिए कहा है, पिछड़ा होने के कारण यहाँ काम करना मुश्किल है। शेख हसीना ने यह भी कहा कि वो सबके साथ दोस्ती चाहती हैं। अब दोस्तों सबसे ज्यादा जो समझना जरूरी है वो ये है कि आखिर तीस्ता परियोजना क्या है। दरअसल तीस्ता परियोजना के लिए जून महीने में शेख हसीना ने चीन से आसान शर्तों पर कर्ज मुहैया करवाने का अनुरोध करने की बात कही थी। वहीं मई 2024 में भारत के विदेश सचिव के ढाका दौरे के दौरान बांग्लादेशी विदेश मंत्री हसन महमूद ने बताया था कि भारत तीस्ता परियोजना के लिए वित्तीय सहायता देना चाहता है। ऐसे में सवाल यह है कि तीस्ता परियोजना आखिर क्या है और भारत के लिए क्यों अहम है। दरअसल इस परियोजना के तहत बाढ़ रोकना, कटाव रोकना, जमीन दोबारा हासिल करने जैसे काम किए जाने हैं। इस परियोजना के तहत बांग्लादेश वाले हिस्से में एक बैराज का निर्माण किया जाना है। कई जगहों पर तीस्ता की चौड़ाई 5 किलोमीटर है, उसे कम किया जाएगा। कुछ जगहों पर नदी की गहराई भी बढ़ाई जानी है और तटबंधों को मजबूत किया जाना है। इस परियोजना के जरिए तटीय इलाके में रहने वाले लोगों की मुश्किलें भी कम हो जाएगी। साल 2011 में भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के ढाका दौरे के दौरान ही तीस्ता समझौते पर हस्ताक्षर किया जाना था, लेकिन पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के विरोध की वजह से वो अधर में लटक गया। साल 2014 में केंद्र की सत्ता में आने के बाद एक साल बाद यानी 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ममता बनर्जी को साथ लेकर बांग्लादेश के दौरे पर गए थे। वहां उन्होंने तीस्ता के पानी के बंटवारे पर एक समझौते की सहमति का भरोसा दिया था, लेकिन 10 साल बीतने के बावजूद अब तक तीस्ता की समस्या का कोई समाधान नहीं निकल पाया था। वहीं पिछले हफ्ते शेख हसीना चीन के दौरे से बीच में ही लौट आई थी। ये एक असामान्य घटना थी। कहा जा रहा है कि शेख हसीना जो सोचकर चीन गई थी वो हासिल नहीं हुआ। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हसीना वित्तीय मदद चीन से नहीं मिलने के कारण खुश नहीं थी। चीन ने $5 अरब के कर्ज का आश्वासन दिया था, लेकिन बांग्लादेश को यह मदद नहीं मिली। इस बारे में जब शेख हसीना से पूछा गया तो वो बोली कि जो लोग ये कह रहे हैं कि चीन दौरे से कुछ हासिल नहीं हुआ वो अफवाह फैला रहे हैं ताकि मेरा अपमान कर सकें। हसीना ने यह भी बताया कि चीन दौरे के दौरान 21 समझौते हुए और 7 ऐलान किए गए हैं। चीन से संबंधों पर शेख हसीना ने कहा कि चीन से हमारे संबंध अच्छे हैं,
इससे पहले मैं भारत के दौरे पर गई थी, तब कहा गया था कि मैंने देश भारत को बेच दिया है, मैं चीन गई तो कुछ हासिल नहीं हुआ। ये सब बयान आते रहते हैं, मुझे लगता है कि लोग मानसिक रूप से बीमार हैं। वहीं बांग्लादेशी प्रधानमंत्री के लिखित बयान में कहा गया है कि शेख हसीना और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच मुलाकात हुई, चीन बांग्लादेश को 2 अरब अमेरिकी डॉलर देने के लिए तैयार भी हुआ है। ये रकम 4 तरह से दी जाएगी, पहला अनुदान के रूप में, दूसरा ब्याज मुक्त कर्ज, तीसरा रियायती दरों पर कर्ज दिया जाएगा और चौथा कमर्शियल कर्ज दिया जाएगा। वहीं शेख हसीना ने शी जिनपिंग का बांग्लादेश में बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए शुक्रिया अदा किया है। प्रेस वार्ता में हसीना ने कहा है कि चीनी राष्ट्रपति को चटगांव की 800 एकड़ जमीन में निवेश करने के लिए कहा गया है। इसके अलावा बांग्लादेश ने रोहिंग्या संकट से निपटने के लिए भी चीन की मदद मांगी है। हसीना ने उम्मीद जताई है कि क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चीन बांग्लादेश का साथ देता रहेगा। दरअसल अगले साल बांग्लादेश और चीन के राजनयिक संबंधों के 50 साल पूरे हो रहे हैं। हसीना ने उम्मीद जताई है कि रिसर्च, शिक्षा, ICT, टेक्नोलॉजी, संस्कृति के मामले में कम्युनिकेशन और सहयोगी को आगे ले जाया जा सकेगा। लेकिन जो भी हो, लेकिन तीस्ता परियोजना जो है वो भारत के पास आई है, ये अपने आप में सबसे अहम रखता है, क्योंकि वो एक चिकन पॉइंट की तरह है और वो ये अगर प्रोजेक्ट भारत करता है तो भारत के लिए ये काफ़ी ज़्यादा अहम भी है। और स्ट्रॉन्ग पॉइंट ये है कि चाइना वहाँ नहीं होगा, जिस तरीके से चाइना और भारत के रिश्ते हैं और जिस तरीके से गलवान घाटी में 20 भारतीय सैनिकों को शहीद कर दिया गया था चाइना के ज़रिए, तो ऐसे में कहीं ना कहीं बहुत अहम हो जाता है कि भारत के संबंध अपने पड़ोसियों से कैसे हैं। जिस तरीके से नेपाल है, नेपाल में ओली की सरकार है और ओली जो है वो अक्सर भारत के खिलाफ बयान देते रहे हैं। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया था एक वक्त में कि अयोध्या जो है, असली अयोध्या जो है वो नेपाल में है, ना कि भारत में। तो ऐसे में उनसे संबंध उतने अच्छे नहीं हैं और वो नेपाल के अभी प्रधानमंत्री बने हैं। लेकिन बांग्लादेश से भारत के हमेशा से अच्छे रिश्ते रहे हैं और पाकिस्तान से कैसे रिश्ते हैं ये तो आप सब हम जानते ही हैं। और वहीं दूसरी तरफ ये देखा जाए तो अफगानिस्तान से भी हमारे रिश्ते बेहतर हो रहे हैं, हम वहाँ से प्याज भी खरीद रहे हैं। और चाइना का जो मामला है वो, अगर चाइना से अगर हमारा कुछ ऐसा होता है जिस तरीके के अभी रिश्ते हैं, तो ऐसे में और सारे पड़ोसी से हमारे रिश्ते कैसे हैं ये अहम हो जाता है। इस पूरे मामले पर दोस्तों आप क्या कहते हैं हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। शुक्रिया।